So hi guys, we have reached the Delhi airport and we have a flight to Kathmandu. ये नेपाल एयरलाइंस की फ्लाइट है और इनके साथ हम पहली बार उड़ने वाले हैं. इट्स अराउंड 2 hours फ्लाइट और हम लोग बोर्डिंग पास लेने जा रहे हैं. So let's get started. We booked our tickets from Make My Trip and it costed us 22,000 and half of it we paid it via our credit card points. The check-in was very seamless with Nepal Airlines. So we have got the boarding pass and ab hum security check karne ja rahe hain. It should be quick because bahut line nahi hai kyunki shaam ke 4 baje ki flight hai. So let's get that done and I will meet you on the other side of the airport. I took my mother-in-law for our first international trip to Nepal. सिक्योरिटी चेक करते वक्त उनके बैग में से ब्लेड भी मिला. सो इफ़ यू आर टेकिंग योर पेरेंट्स, मेक श्योर यू आर चेकिंग देयर बैग्स. उसके बाद हम लोगों ने उनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट घुमाया और बहुत सारी फोटोज़ भी खींची. सो सिक्योरिटी चेक सब खत्म हो गया है एंड वी हैव कम टू द एयरपोर्ट. हम लोगों को वॉक करना है अभी गेट नंबर 3 तक, थोड़ा दूर है तो डिसाइडेड टू रेस्ट एंड टेक अ फ्यू शॉट्स फॉर माई वीडियो. सर अभी तक तो सब ठीक ही है. एक्चुअली ये वाली जो फ़्लाइट है हमारी नेपाल एयरलाइंस की, ये सुबह 10:30 बजे की थी एंड देन दे कैंसल द फ्लाइट. थोड़ा रकस तो क्रिएट हो गया था एंड मैं तो घबरा भी गई थी बिकॉज दे डिड नॉट हैव एन अल्टरनेट फ्लाइट और बाकी सारी फ़्लाइट्स बहुत ही एक्सपेंसिव हो गई थी बाय दैट टाइम. बट थैंकफुली इन लोगों ने रीस्केड्यूल कर दिया तो शाम की 4:10 की फ़्लाइट है एक्चुअली. तो पूरा दिन तो एक्चुअली वेस्ट ही हो गया. हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी थी जो हम लोग काठमांडू में करते हैं. बट वेल ट्रैवल कम्स विद इट्स ओन अनसर्टेनिटीज़. वो हमारे साथ पहले भी हो चुका है, लगेज खोना एंड ऑल ऑफ दैट. सो रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू नेपाल एयरलाइंस एज वेल एज काठमांडू. दे ऑल्सो डिलेड द फ्लाइट बाई ऑलमोस्ट 30 to 40 minutes. दैट मेड श्योर कि हमारा पूरा दिन काठमांडू में बर्बाद ही हो जाए. आपको विंडो सीट चाहिए एंड यू आर मोर देन 2 people, मेक श्योर दैट आप बोर्डिंग पास लेते वक्त specify kar do that you want a window seat. We had food included in our tickets and it was piping hot food and tasty. Ensure that you're carrying your own headphones if you're traveling with Nepal Airlines so you can enjoy the entertainment available on board. So hamari flight land ho gayi hai Nepal mein Kathmandu mein aur yahan pe kuch local time 6:30 hua hoga. The flight took approximately 2 hours and it was a very comfortable flight. अभी हम लोग स्टैम्प लगवा के, इट वॉज़ वेरी इजी प्रोसेस. आपको पासपोर्ट होल्ड करना है खाली जिस पे एंट्री स्टैम्प्स लगते हैं एंड देन वी हैव कम टू द बैगेज बेल्ट जहाँ से हम लोग अपना सामान पिकअप करेंगे एंड विल गो टू द होटल. आई एम का भी कन्वर्जन करते हो ओनली USD? कन्वर्जन्स हियर. I'm sorry for the bad video because it got shot in slow-mo and that's why there is all these lights, but the information here is valuable, so listen to it and you can ignore the video. We'll find a SIM that will be valid for 28 days with 88 GB internet and 100 minutes talk time for 1200 NPR, and 7-day SIM with 15 GB internet at 500 NPR and 50 minutes of talk time. If you have a photo, that's okay, but if you don't, you will have to pay an extra 50 NPR. The best way out of the airport to your hotel is to take an airport prepaid cab. It costed us somewhere around 600 INR and 850 NPR to reach Thamel Market, and they accept INR in any denomination. हम लोग त्रिभुवन एयरपोर्ट से बाहर निकल गए हैं एंड हमारे कैब वाले ने हमको ढूंढ लिया है. वी हैव गॉटन इन टू दिस कार एंड वी आर गोइंग टू होटल मनंग. एंड हम लोग आ गए हैं अपनी होटल, दैट इज़ होटल मनंग. ये थामेल मार्केट में है. थामेल मार्केट यहाँ का सबसे बजलिंग मार्केट है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है फॉर नाइट लाइफ, फॉर शॉपिंग, फॉर ईटिंग, फॉर एवरीथिंग. तो हम बस अभी अभी पहुँचे हैं. आई थिंक इट मस्ट बी समवेयर अराउंड 7:15 और 7 o'clock, ज़्यादा ही हो गया होगा एक्चुअली. एंड हम लोग बस अंदर चलते हैं और चेक इन करते हैं. खूबसूरत सा जगह है, लेट्स चेक इन. We reached the hotel pretty late in the night. तो हम लोग बाहर गए, थामेल मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर किया, खाना खाया. You will find a lot of Indian restaurants on your way there. And next morning we started exploring Kathmandu, starting with the amazing Pashupatinath temple.